नमस्कार, विभागता में आपका स्वागत है। हाल ही में भोपाल में संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को लेकर मंथन तो काफी हुआ, लेकिन विवाद भी बहुत जुड़े हैं। विभागता में आज का विषय है विश्व हिंदी सम्मेलन। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। जयदीप जी, सम्मेलन को अगर समग्र रूप से देखें तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ज्वाला जी, मेरे लिए तो ये पहला ही अनुभव था, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ। तो अब तक 10 सम्मेलन हुए हैं, उसमें से तीसरी ही बार ये हिंदुस्तान में आयोजित किया गया, नागपुर और दिल्ली और उसके बाद ये भोपाल। चूंकि ये मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा था, हम लोग मध्य प्रदेश से मालवा की धरती से उपजे हैं, वेब दुनिया ने यहीं पर आकार लिया है, जन्म लिया है। और एक ये ख्वाहिश थी कि चूंकि हमारे दिल के इतने करीब पर ये आयोजन हो रहा है, तो एक तरह से हम लोग आयोजक की भूमिका में और हमारी धरती पर होने वाले इस आयोजन से हमें शिरकत करके करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, इसमें शिरकत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि दरअसल ये जो अखबारों के माध्यम से और अलग अलग रपटों के माध्यम से हमें पता लगता रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी की चिंता की जाती है, हिंदी पर बात की जाती है, हिंदी के प्रचार प्रसार के तरीकों पर जोर दिया जाता है, तो आखिर ये है क्या? तो मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा अनुभव रहा। ये अफसोस जरूर है कि सभी सत्रों में जाकर हम नहीं सुन पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन उनका जो समापन के दौरान वाचन किया गया उससे एक अंदाजा लगा कि किस तरह की बातचीत हुई होगी। मुझे लगा कि हमेशा ही इस तरह के सम्मेलनों को लेकर दो तरह की राय होती है कि केवल बातचीत है। मुझे लगता है हिंदी को जानने वालों का, हिंदी की चिंता करने वालों का, हिंदी के बारे में सोचने वालों का मिलना बहुत जरूरी है। एक तरह से बहुत अच्छा हुआ कि ये यहाँ पर हिंदुस्तान में आयोजन इतने लंबे समय बाद हुआ। मुझे लगता है जब इसकी कल्पना की गई थी विश्व हिंदी सम्मेलन की, तब ये सोचा गया था कि हिंदुस्तान में तो हिंदी का प्रचार वैसे ही हो जाएगा, हिंदुस्तान के लोग तो अच्छी हिंदी बोलेंगे, जानेंगे, समझेंगे ही, हिंदी को बाहर मजबूत कैसे करें हिंदुस्तान के बाहर, और उसके साथ इस विचार के साथ ये तभी ये विदेश मंत्रालय अन्यथा विदेश मंत्रालय के इस आयोजन से जुड़ने का कोई कारण नहीं बनता। इसमें दो तीन चीज़ें जोड़ी जा सकती थी कि अगर ये हिंदुस्तान में हो रहा था तो इसमें विदेश मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय या राजभाषा विभाग या ऐसे कुछ और दूसरे लोगों को जोड़कर इसको और बेहतर स्वरूप दिया जा सकता था। जब भारत में हो रहा है तो केवल विदेश मंत्रालय ही इसका आयोजक बना रहे, इसका मुझे कोई सीधा कारण समझ में नहीं आता। दूसरा, मुझे ये लगा कि जिस तरीके से सत्रों का आयोजन किया गया था उसमें जो वक्ता थे बोलने वाले, उनका चयन और बेहतर किया जा सकता था। आपने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया जो कि किसी को इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सिखाता है। मुझे लगता है कि कीबोर्ड का इजाद करने वाले लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, उस कीबोर्ड को दुनिया तक पहुँचाने वाले लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, उस कीबोर्ड के जरिए अपने नए नए सॉफ्टवेयर गढ़ने वाले लोग इस हिंदुस्तान में बैठे हैं। वहाँ पर हम इस तरह के पैमाने यदि रखते हैं किसी को विषय के विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में खामी रही। इस के बावजूद वेब दुनिया भी उस मंच पर उपस्थित था, एक प्रदर्शनी लगाई गई कल आज और कल वाली, उसमें हमने कोशिश की कि आईटी और हिंदी की यात्रा को हम बेहतर तरीके से वहां प्रस्तुत करें। जिस तरह का प्रतिसाद मिला, लोगों ने जिस तरह की भावनाएं वहां पर आकर व्यक्त की, उससे यही एहसास हुआ कि बहुत अच्छा रहा कि हम इस मंच से इस तरीके से जुड़ पाए। और हम चूंकि उससे जुड़े थे, सिर्फ इस वजह से सब अच्छा ही अच्छा हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारी अच्छी बातें हुई। हिंदी के बहुत सारे विद्वानों से मिलने का, उनकी बात जानने का, खासतौर पर वेब दुनिया के वो प्रशंसक जो सुदूर देशों में हैं, लगातार वेब दुनिया को देखते हैं, वेब दुनिया पर सामग्री पढ़ते हैं, अपने स्कूल में अपने बच्चों को वेब दुनिया के माध्यम से हिंदी सिखाने की कोशिश, तो हमें पता लगता है कि यहाँ बैठकर हम क्या काम कर रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है, किस तरह के यज्ञ से हम लोग जुड़े हैं। समग्र रूप में मैं कहूँगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन जिस तरीके से आयोजित किया गया, आयोजन की जिन छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमने सारे तामझाम पर ध्यान दिया था तो उसमें मूल जो सामग्री है उसको थोड़ा बेहतर और बनाकर व्यावहारिक स्वरूप दिया जाता। जैसे ये कहना कि साहित्य के लिए नहीं, ये ठीक है कि कई बार केवल साहित्यकारों का कब्जा हो जाता है इस तरह के सम्मेलनों पर, और साहित्यकार अपनी ढपली अपना राग करते हैं, साहित्य और पुस्तक चर्चा तक सिमट जाता है, और भाषा के बारे में जो ठोस बात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। लेकिन साहित्य को अलग करके भी कोई भाषा जिंदा नहीं रह सकती। दरअसल साहित्य आपकी भाषा को पुख्ता करता है, मजबूत करता है, जन जन तक पहुंचाता है। प्रेमचंद के साहित्य के जरिए कितने सारे लोग हिंदी से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य भाषा का अविभाज्य अंग है, उससे यूं हिकारत करना, उसको यूं इस तरह अलग करना भी ठीक नहीं था, जिस तरह के केवल साहित्य का सम्मेलन हो जाना भी गलत था। इस बार भाषा के साथ तकनीक पर भी जोर दिया गया, इससे हिंदी को कितना फायदा है? देखिए, अब तो तकनीक ही ऐसी बड़ी संवाहक है, तकनीक ही ऐसा मंच है, तकनीक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भाषा की ये नदी कलकल प्रवाहित हो सकती है, तेजी से आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आपके विचार कालजयी हैं, विचारों में दम है, और आपकी भाषा को आपको जिंदा रखना है, तो वो इस तकनीक का जो नया मंच है उसके जरिए, अब जो पांडुलिपियों का जमाना है, अखबार का प्रिंट का जमाना है, वो जा रहा है, सारी सामग्रियां जो है वो इतिहास के नए कालपत्र यानी इंटरनेट पर यानी डिजिटल तकनीक के
माध्यम से संजोई जा रही है। इतिहास के इस काल पात्र में आपकी भाषा की, आपके विचारों की भागीदारी क्या है? निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपकी भाषा को जीवंत बनाए रखने में यह अहम भूमिका निभाएगा। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जब तक ऐसे समाचार पत्र हैं, मीडिया के दूसरे और ऐसे माध्यम हैं, टेलीविजन चैनल हैं जिन्होंने इंग्लिश को अपना लिया है। ऐसे में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अच्छी हिंदी लिखकर, बेहतर हिंदी लिखकर वो काम कर सकते हैं जो कि शायद मुख्य धारा के अखबारों को और टेलीविजन चैनलों को करना चाहिए था। नरेंद्र कोहली जैसे साहित्यकारों का यह भी मानना था कि हमारी शब्दावली जो है संस्कृत आधारित होना चाहिए और दूसरी ओर वे नरेंद्र मोदी से भी असहमत दिखे। देखिए, ये एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद है और हमारे यहाँ पर अगर आप हमारा व्याकरण देखें तो तत्सम और तद्भव दोनों ही तरह के शब्दों के लिए बहुत प्रमुखता से स्थान है। जो संस्कृत से सीधे उपजे हैं वो तत्सम शब्द हैं और वो सीधे शामिल भी किए गए हैं। तद्भव हैं, देशज शब्द हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भाषा के साथ बोलियों का भी बहुत महत्व है। जैसे मालवी और निवाड़ी हमारे यहाँ के अंचल में बहुत प्रमुखता से बोली जाती, फिर उधर आप चले जाइए बुंदेलखंडी है, अवधी है, मैथिली। तो मुझे लगता है कि इन सारे भाषाओं को संग्रहित करके, संजो के अगर हम एक अच्छा शब्द संग्रह तैयार करते हैं और उन सबको शामिल करते हैं, क्योंकि दरअसल भाषा क्या है, आपको अभिव्यक्ति देती है। आपको कोई बात कितनी मजबूती के साथ आप कह सकते हैं, आपका शब्द संग्रह कितना व्यापक है, भंडार कितना बड़ा है, उससे आप उस बात को कई तरीके से कहने के रास्ते देते हैं। उससे आपका साहित्य मजबूत होता है, कविता मजबूत होती है, गद्य और पद्य दोनों में आपके पास कई विकल्प होते हैं। एक की जगह कई शब्दों के इस्तेमाल से उस बात को भाषा की रवानी के जरिए आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे को अपनी खिड़कियां बंद करते हुए भाषा को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। कोहली इसलिए असहमत हो सकते हैं कि वो शुद्ध भाषा के, तत्सम भाषा के ज्यादा प्रबल समर्थक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी दिक्कत यही हुई है कि कई लोग, जिस तरह से हमने देखा कि हिंदी सम्मेलनों के सम्मेलन के दौरान भी व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कई तरह के जुमले चुटकुले प्रसारित लगातार किए जा रहे थे कि ए भाई आपके वायु ठूसक यंत्र से, तो मुझे लगता है ये भाषा की हंसी उड़ाने वाला जो काम है, इस तरह की बातों से उसको भावना मिलती है। अगर कोई शब्द हमने अपने चलन से बाहर कर दिया है, और ये अकारण नहीं हुआ है, कई लोगों ने प्रयास भी किया है, पर हम उस षड्यंत्र का शिकार हो गए। आज भी आप देख लीजिए कि हिंदी अखबारों के जो परिशिष्ट हैं वो छात्रों या विद्यार्थियों की जगह स्टूडेंट्स लिखने लगे हैं। थोड़े समय में लोगों को लगेगा स्टूडेंट्स ही सही शब्द है, फिर आप कहेंगे कि विद्यार्थी का जब उपयोग किया जाएगा, छात्र छात्रा का उपयोग किया कि क्लिष्ट शब्द है। दरअसल भाषा कोई क्लिष्ट नहीं होती। तो उस मायने में नरेंद्र कोहली जी की बात सही है, लेकिन यहां तक के जो शब्द चलन में आ चुके हैं, जो पीढ़ी उसको समझ रही है, उसको आप उससे एकदम से अलग नहीं कर सकते। दिक्कत यह है कि हम इलाज पत्तियों का कर रहे हैं, समस्या जड़ों में है। हमारे विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक जो शिक्षा प्रणाली हमने बनाई है, घरों में जो हमने एक संस्कार अपना लिया है कॉन्वेंट स्कूलों का और हिंदी को हिकारस की, तो ये सब देखे कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो मैं लगातार एक बात कहता रहा हूँ कि आज हर घर में अंग्रेजी का शब्द कोश है लेकिन हिंदी का शब्द कोश है ही नहीं। ऐसे में आप संस्कृत निष्ठ भाषा को प्रचार प्रसार के जरिए मजबूत कैसे बना पाएंगे? जब जड़ में पानी नहीं पड़ रहा है तो पेड़ मजबूत होगा कैसे, फलेगा फूलेगा कैसे? तो अगर हम वाकई इतने चिंतित हैं तो हमें जड़ों की सिंचाई करके, जड़ों को मजबूत करके, खाद पानी देकर बेहतर बनाना होगा ताकि भाषा ये वृक्ष बेहतर तरीके से फल फूल सके। उसके बावजूद भी मेरा आग्रह रहेगा, कुछ अच्छे शब्द हैं, कुछ बेहतर शब्द हैं, कुछ अरबी उर्दू फारसी के शब्द भी हिंदुस्तानी में आ गए हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए यदि भाषा को हम ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, पक्का बना सकते हैं, तो उनको अपनाना चाहिए। लेकिन जो हिंदी में अच्छे वैकल्पिक शब्द उपलब्ध हैं, जब आप यूनिवर्सिटी की जगह विश्वविद्यालय कह सकते हैं और विश्वविद्यालय अच्छा शब्द है, कॉलेज की जगह महाविद्यालय कह सकते हैं और महाविद्यालय बहुत अच्छा शब्द है, तो उसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, उसके इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए, तभी आपकी भाषा जीवित रह सकती है। अन्यथा तो एक समय ऐसा आएगा कि उपयोग में लाने के नाम पर, चलन के नाम पर आप तमाम विदेशी भाषा के शब्दों का ले चुके होंगे और जिस हिंदी के प्रचार प्रसार में और समर्थन में आप लगे वो हिंदी जीवित ही नहीं रहेगी। यदि सम्मेलन के दौरान ही एक बात और सामने आई, कहा गया कि हिंदी वाले विधवा विलाप तो बहुत करते हैं लेकिन हिंदी के लिए कुछ करते नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, मृणाल पांडे जी ने ये बात कही है और वो लगातार इसको लेकर मुखर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये बात बहुत अहमियत रखती है कि जब आप किसी सम्मेलन को कोसते हैं, किसी आयोजन को कोसते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ वो नहीं हुआ, कुछ लोग तो इसलिए भी दुखे हैं, हायकलाप कर रहे हैं कि उन्हें नहीं बुलाया गया और केवल उन्हें नहीं बुला लेने भर से ये सम्मेलन जो है पूरी तरह से विफल रहा। मुझे लगता है ये भी बहुत संकुचित सोच है और ये बहुत केवल एक दिशा में सोचने वाली बात है। अगर आप उस सम्मेलन में नहीं भी हैं और इस सम्मेलन का आयोजन नहीं भी हो रहा और आपके मन में भाषा को लेकर सच्चा प्यार है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जब जाते हैं किसी होटल में ठहरते हैं तो अपना नाम हिंदी में लिखते हैं? क्या किसी भी अन्य जगह पर बात जब आपके नाम की प्रविष्टि की आती है, आपके परिवार के नाम की प्रविष्टि की आती है, तो हिंदी देवनागरी में करते हैं क्या? तो जब आप डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक देख रहे हैं, उस पर अच्छी हिंदी में बहुत अच्छे से बात कही जा रही है, तो क्या आप हिंदी के प्रेम के चलते उसको अपना रहे हैं? क्या आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो अंग्रेजी बोलने में सम्मान गर्व महसूस करते हैं
हैं उनसे आप कहिए कि अंग्रेजी के ज्ञान के साथ साथ थोड़ी हिंदी की जानकारी भी रख लीजिए, पड़ोस में मोहल्ले में बच्चों को आप अच्छी हिंदी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि ये छोटे, अगर किसी अखबार में लगातार अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ रहा है तो उसके विरोध में उसके संपादक को, उसके पढ़ने वालों को जानकारी पहुंचाकर कोई पत्र लिख रहे हैं क्या? मुझे लगता है छोटे प्रयत्न हैं लेकिन महत्वपूर्ण प्रयत्न हैं, और इन प्रयत्नों के माध्यम से ही हिंदी आगे बढ़ सकती है। एक छोटा सा हिंदी सम्मेलन से जुड़ा और वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा जो दुखद है कि किस तरीके से हम ढकोसला करते हैं, पाखंड करते हैं, और इस तरह के पाखंड से कभी भी भाषा का भला नहीं हो सकता। आज ही कुछ साथियों ने जो कि हिंदी विमर्श के माध्यम से जुड़े हुए हैं एक ईमेल समूह पर, जो हिंदी सम्मेलन में आए थे अतिथि, उन्होंने कुछ ईमेल उस पर जारी किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि हिंदी सम्मेलन से जुड़ी हुई जानकारियां उनको विदेश विभाग द्वारा पूरी अंग्रेजी में दी जा रही थी। अब आप हिंदी सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, हिंदी के विद्वानों को, हिंदी से प्रेम करने वाले लोगों को, कम से कम उनको तो देवनागरी में हिंदी में। इससे बड़ी एक बुरी घटना ये हुई है कि जब अभी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कुछ हिंदी के विद्वानों को सम्मानित करने की सूचना प्रेस को जारी की तो अंग्रेजी में जारी की गई। हम जब तक इस अफसरशाही को इस अंग्रेजी के मोह से बाहर नहीं निकालेंगे, अंग्रेजी के मोह में प्यार में आकंठ डूबी हुई इस अफसरशाही को, नौकरशाही को और विद्वानों को जब तक हम हिंदी के प्रेम की तरफ सचमुच नहीं लेके आते हैं, तब तक हम हिंदी का भला नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी एक और ऐसा इवेंट है जिसको उन्होंने मेहनत करके लगातार, उनकी मेहनत से इनकार नहीं है, उन्होंने मेहनत की, लोगों को बुलाया, तामझाम जुटाया, दिन रात लगे रहे, आयोजन कर लिया, लेकिन उस आयोजन की आत्मा से वो नहीं जुड़ पाए। वो इस आयोजन की आत्मा से यदि जुड़े होते तो उन अफसरों के दिमाग में, दिल में ये ख्याल जरूर आता कि ये जो हम पत्र लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस पत्र को भी हमें हिंदी में पहुंचाना चाहिए। आप देखिए कि यूँ हम हिंदी के ही पोर्टल पर काम करते हैं, दिन रात हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इस आयोजन से जुड़ा हुआ जो समूह हमारे द्वारा बनाया गया उसमें अधिक से अधिक लोगों ने देवनागरी में हिंदी में अपने विचारों का संप्रेषण किया। इसके माध्यम से हम लोगों के भी रोजमर्रा की बोलचाल में अगर कुछ अंग्रेजी प्रविष्ट कर गई है तो उसको साफ करने का, धोने का, छलनी लगाने का मौका हमें मिल गया। इस तरह की छलनी अगर हम प्रयत्नपूर्वक लगातार नहीं लगाएंगे तो अंग्रेजी का प्रवेश तो देखिए ये अब हमें पूरी तरह से पाखंड को, जिसको हिपोक्रेसी हम कहते हैं अंग्रेजी, उसको छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजी का प्रवेश घर घर में भीतर तक हो चुका है, उसकी पैट बन चुकी है, हमारी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा भ्रष्ट हो चुकी है, उसमें अंग्रेजी के ऐसे शब्द आ चुके हैं चाहे जाने चाहे अनजाने कि जिनको अलग करना अब प्रयत्न के बिना संभव नहीं है। तो यदि आप प्रयत्न पूर्वक अपनी हिंदी को बेहतर बनाए रखते हैं तो ही आपकी हिंदी शुद्ध बनी रहेगी, नहीं तो जो आक्रमण, घुसपैठ, अतिक्रमण होना चाहिए था भाषा के ऊपर वो हो चुका है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।